साहित्य के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में बेल वाले आइकॉन को दबाकर हमारे हर वीडियो की जानकारी अपडेट्स आप लेते रहें। मैं बुलाना चाहूंगी गौतम श्रीवास्तव जी को। वो मोहब्बत में काफी मार और मात खा चुके हैं, तो आप उसी भाव के साथ उन्हें सुनिएगा। 1500 गौतम आप आए और अपना काव्य पाठ करें। एक बार भरपूर तालियां हो जाए गौतम जी के लिए। झुकेगा सर इश्क में तो इबादत समझ में आएगी, झुकेगा सर इश्क में तो इबादत समझ में आएगी, तन्हाइयों में तुम्हें मेरी मोहब्बत समझ में आएगी। मैं गिरा देता हूँ आंखों से तुम पानी समझ लेती हो, मैं गिरा देता हूँ आंखों से तुम पानी समझ लेती हो, कभी नीलाम करो मोतियों को कीमत समझ में आएगी। क्या कहना, बहुत पुराने दोस्त हैं इसमें और कुछ नए खूबसूरत चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं। मैं पता चला है तुम देख कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं चेहरों को देख के पढ़ रहा हूं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम गौतम श्रीवास्तव है और कुछ महीने पहले मैं एकदम सख्त था, एकदम कोई भी पापा की परी मुझे मेरे ईमान को गिला नहीं सकता। लेकिन एक दिन क्लास में उस परी की एंट्री हो गई, एंट्री हो गई और ये पापा का पता निकल गया। तो चलते और बैठे बैठे इस मंच पे आ पहुंचा हूँ और इसलिए अगर कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। तो सब है पर लेकिन परी पिघली की नहीं, पिघल गई है धीरे 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 धीरे, ठंडा का मौसम है, ठंड रहेगा भाई तुम पढ़ो। दिल के दरवाजे को औरों के लिए बंद रखा है मैंने, दिल के दरवाजे को औरों के लिए बंद रखा है मैंने, आप मेरे हो मुझे भी अपना बनाइए तो सही। यूं गैरों की तरह बाहर क्यों खड़े हो, यूं गैरों की तरह बाहर क्यों खड़े हो, बेझिझक कभी अंदर मेरे आइए तो सही। क्या बात है, मुझे तूफान में ना जाने कई बार अंधेरों ने घेरा, मुझे तूफान में ना जाने कई बार अंधेरों ने घेरा, दूर रहे अंधेरा ऐसी की रोशनी फैलाइए तो सही। मंजिल तो आप ही है बाकी सब तो सफर के नजारे, मंजिल तो आप ही है बाकी सब तो सफर के नजारे हैं, जरा सा दूर हूँ करीब आने में, कोई रास्ता दिखाइए तो सही। समंदर के सैलाबों में डूबना अच्छा नहीं लगता, समंदर के सैलाबों में डूबना अच्छा नहीं लगता मुझे, अपनी नजरों की झील में कभी डुबाइए तो सही। अधूरा चांद खुद मैं हूँ यहाँ, ध्यान सुनिए पंक्ति को, अधूरा चांद खुद मैं हूँ यहाँ, अधूरा है मेरे सामने, अधूरा चांद खुद मैं हूँ यहाँ और अधूरा है मेरे सामने, मिलकर मुझसे आसमां पर पूरा चांद बनाइए तो सही। जेठ की तपती धूप की तरह दिन रात जल रहा हूँ मैं, कभी बन सावन मुझ पर पहली बूंद बरसाइए तो सही। करवटे क्यों बदल रहा हूँ आजकल इन सर्द रातों में भी, करवटे क्यों बदल रहा हूँ आजकल इन सर्द रातों में भी, मेरी नींद लौटाने कभी मेरे सपनों में आइए तो सही। ये बार बार जिक्र कर रहा हूँ अपने लफ्जों से आपका, ये बार बार जिक्र कर रहा हूँ अपने लफ्जों से आपका, अपने दिल के धड़कनों से मेरा भी जिक्र कराइए तो सही। मालूम है मुझे आपको भी एहसास है मेरे प्यार का, मालूम है मुझे भी आपको भी एहसास है मेरे प्यार का, सिर्फ चार कदम चल इस एहसास को खास बनाइए तो सही। हर बात पर बक पागल कह देना आपका अच्छा लगता है, हर बात पे बक पागल कह देना आपका अच्छा लगता है, हर बात पे बक पागल कह देना अच्छा लगता है, मैं भी ऐसा कुछ बोलूं वैसा पागलपन दिखाइए तो सही। मेरे गजल के और सबसे पहले बता दूं मैं उनके लिए पोएट्री लिखता हूं, उनके लिए मतलब और उनके लिए सब लड़की वाले आदत लेके आ रहे हैं और रजिस्ट्रेशन फीस भी उनके लिए और उनको विश्वास नहीं होता कि उनके लिए लिखा हुआ है तो उसके लिए पंक्तियां है। मेरे गजल के हर अल्फाज आपके हर अदा से जुड़े हुए हैं, मेरे गजल के हर अल्फाज आपके हर अदा से जुड़े हुए हैं, झूठा क्यों लगता है आपको कभी भरोसा भी जताइए तो सही। मैं आपका हूँ और आपको हक है मुझे अपना कहने का, मैं आपका हूँ और आपको हक है मुझे अपना कहने का, अपने दिल से सिफारिश करें एक साथ ये हक मुझे भी दिलाइए तो सही। जिसने भी तराशा होगा आपको काबिले तारीफ है वो, जिसने भी तराशा होगा काबिले तारीफ है वो, शुक्रिया करना है मुझे उससे कभी मिलवाइए तो सही। आपका ये हसीन बदन संपूर्ण संसार का उदाहरण देता है, आपका ये हसीन बदन संपूर्ण संसार का उदाहरण देता है, नजर ना लगे किसी का काला टीका लगाइए तो सही। बेशक मैं मानता हूँ और भी हसीन है इस जहान में, बेशक मैं मानता हूँ कि और भी हसीन है इस जहान में, दावा है मेरा आप जैसा कोई नहीं, अगर हो तो ढूंढ कर दिखाइए तो सही। सबको लगता है मेरी रचना में बहुत बढ़िया बात है। गुस्से से लाल आप जब भी होती हैं बड़ी हसीन लगती हैं, गुस्से से लाल आप जब भी होती हैं बड़ी हसीन लगती हैं,
इतना हसीन गुस्सा कभी मुझ पर नहीं बरसाइए तो सही। बहुत बढ़िया। अगर इस जन्म में आप मेरी नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगर इस जन्म में आप मेरी नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हर अगले जन्म के लिए मुझे अपना बनाइए तो सही। और लास्ट चीज चाहता हूँ क्या है, कोई वादा नहीं करूंगा आपसे उम्र भर साथ रहने के लिए, कोई वादा नहीं करूंगा आपसे उम्र भर साथ रहने के लिए, जब तक याद हूँ मैं उतने पर ही साथ निभाइए तो सही। और प्यार से मैं उन्हें बातों बातों में चांद बोलता हूँ। प्यार से मैं उन्हें बातों बातों में चांद बोलता हूँ, मेरे लिए नहीं लेकिन उस चांद के लिए आप ही तालियां बजाइए तो सही।